छठ महापर्व को मनाने वाले लोग पूरे विश्व में फैल चुके हैं और 17 से 20 तारीख तक छठ का ये महापर्व मनाया जाने वाला है, जिसमें 19 तारीख को संध्या अर्घ दिया जाएगा, 20 को उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाएगा। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के उस घाट पर हूँ जहाँ पर इस बार छठ की पूजा होनी है। ये जो देखिए, ये छठ घाट के नाम से मशहूर ये घाट है, लक्ष्मण मेला घाट पर ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं, लोगों ने अपनी वेदियां बनाना शुरू कर दिया है। आज से 2 दिनों बाद लोग यहाँ पर अपनी जो पूजा पाठ है वो सब कुछ शुरू कर देंगे। इन तैयारियों को जो व्यक्ति कराते हैं, जिन्होंने लखनऊ में छठ पूजा की शुरुआत करवाई और पूरा यहाँ पर एक बड़े भव्य स्तर पर छठ पूजा का कार्यक्रम होता है, प्रभुनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। 39 साल हो गए आपको इस तरीके का आयोजन करवाते हुए, और छठ का जो पर्व है वो पूर्वांचल से आप आते हैं, पूर्वांचल लेकर लखनऊ तक आकर के, और एक जो भव्यता है छठ की वो आपने यहाँ दी है। इस स्वरूप के बारे में बताइए और इन तैयारियों के बारे में, कैसे क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या खास होने वाला है इस बार लखनऊ में। देखिए, छठ की शुरुआत 22 अक्टूबर 1984 में मैंने इसका नींव रखा था, और उस समय 4 आदमी थे और लखनऊ की आबादी उस समय 14 लाख की थी जी। और आज जितना उस समय लखनऊ की आबादी थी उतना इसमें लोग, लखनऊ में पूर्वांचल के लोग हैं, करीब 14-15 लाख लोग इस साल छठ की पूजा करने जा रहे हैं जी। और ये जो घाट देख रहे हैं, यहाँ पर लाखों की भीड़ होती थी और आज भी होता है, काफी लोग इस घाट पर पहुंचेंगे। 17 से ये कार्यक्रम की शुरुआत है, 17 को खाए नहाए है जी। और 18 को खरना है जी। और 19 को मुख्य पूजा है, और 20 को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे उनको अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तैयारियों की बात की जाए, विशेषताओं की बात की जाए, लखनऊ के इस घाट पर क्या विशेष होने वाला है, किस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग आएंगे उनके लिए आप तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी कराते हैं। देखिए, तैयारी तो 2 महीना से हम लोग कर रहे हैं। ये गोमती की पानी है जो काफी गंदा था, उसको 2 महीना से हम लोग इसकी सफाई कर रहे हैं, इसको जाल डाल के इसको सफाई कर रहे हैं, ताकि भगवान सूर्य की पूजा है उसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो भगवान सूर्य को जो अर्घ दिया जाए वो पानी साफ हो, अच्छा हो, सारे लोग अच्छे पानी में अर्घ दें, इसकी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लगातार उसकी तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जाल डाला गया है ताकि पानी खराब या गंदा पानी यहाँ अंदर तरफ न आने पावे, और इस गोमती की पानी को 6 फुट आगे इसको ऊंचाई पर बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये 6 फुट आगे और पानी बढ़ जाए। ये सुविधा आप देख रहे हैं, इसकी पुताई और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस घाट पर टाइल्स लगाए गए हैं, पहले घास था, महिलाएं आती थी उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, इसलिए यहाँ पर टाइल्स लगवाया हूँ, और ये सभी सुशोभिता की पुताई रंगाई सब चल रही है, लाइटिंग की व्यवस्था चल रही है। लगभग 150 भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं जो 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 19 तारीख को 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। छठ और गीतों का चूंकि बड़ा एक विशेष लगाव है लोगों का छठ के गीतों का, तो वो सारा भी कार्यक्रम लोगों को छठ के बिल्कुल बिल्कुल छठ के ही गीत गाए जाएंगे, बाहरी कोई और गीत नहीं चलेगा। लगभग 150 जो कलाकार हैं उसमें छठ के जो तमाम ऐसे गीत हैं जैसे केलवा जे फरेला गवद से उस पर सुगा में डराए, सुगावा के मरबो धेनुस से सुगा गृह मुरछाए, कांचा ही बासा के बहंगिया बहंगी लचकर जाए। हम लोग गायक तो नहीं है लेकिन आयोजक है, मैं भोजपुरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए इस आयोजन को 39 साल से मैं कर रहा हूँ, और काफी लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और शुरू में संख्या कम थी लेकिन अब संख्या बहुत हो गई है, रिवर फ्रंट बन चुका है। अब यहाँ पर करीब इतने लोगों का छठ पूजा करने की व्यवस्था नहीं है, तो बहुत से लोग हैं कि घरों में करते हैं, अपने छतों पर करते हैं, लेकिन भगवान भास्कर की कृपा है कि 80 साल 90 साल की महिलाएं माताएं इसको पूजा को करती हैं, और उनके कृपा से जोश और उत्साह उसी तरह बना रहता है। लोग घरों से जैसे छठ पूजा के लिए चलते हैं, गाजे बाजे के साथ चलते हैं, जैसे लगता है कि शादी है, पूरे लबरेज के साथ लोग अपने घरों से छठ पूजा के लिए निकलते हैं। लखनऊ का ये घाट तैयार है छठ पूजा पर माताओं का स्वागत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।